यूपी के बहराइच में जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा किसान महाविद्यालय स्थित चुनाव प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही प्रशिक्षण में आए कर्मियों से सवाल जवाब कर उन्होंने प्रशिक्षण की स्थिति को जाना। यहाँ पर जो जनपद बहराइच में है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है मतदान कार्मिकों का। तो ये जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप में दिया जा रहा है, क्योंकि कई बार देखा जाता है बड़े ग्रुप में प्रशिक्षण देते हैं तो लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती। तो 50-50 का करके उन्हें कमरों में विभाजित करके और जो है तकनीक के माध्यम से दिया जा रहा है। उनके ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जा रहा है, इसके अलावा उनके एग्ज़ाम भी लिया जा रहा है। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी वो यहाँ पर हैं और वो प्रत्येक रूम में इसमें प्रश्न पत्र भी देते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। इसके अलावा जो है, जो भी हमारे मतदान कार्मिक लगे हैं उन्हें 12 और 12 ए दिया गया है, 12 पोस्टल बैलेट के लिए दिया गया है और 12 ए जो है वो EDC के लिए दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो मतदान करवाते हैं वो लोग मतदान करने से वंचित ना रहें, तो उसका भी आज वितरण किया जा रहा है और सेकंड ट्रेनिंग के समय उसमें व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा EVM के संचालन में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है कि EVM में क्या क्या एरर होती है, ताकि जिस दिन मतदान होता है तो EVM की हैंडलिंग को लेकर मतदान जो हमारे कार्मिक हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।